हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर। और बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी अपने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके आधार पर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम और भी प्रोपोर्शनल आई कैसे निकाला, ये सब स्टडी कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं मोबाइलिटी, मोबाइलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आज का जो टॉपिक है मोबाइलिटी, अगर बात आती है कि मोबाइलिटी किसका, मोबाइलिटी मतलब क्या चलना होता है, तो मोबाइलिटी किसकी, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कहाँ, इन द कंडक्टर, मतलब किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनकी गतिशीलता क्या होती है, मोबाइलिटी। तो अगर इसको जनरली हम देखना चाहें तो कल हमने देखा था कि हमारा एक फॉर्मूला आया था VD ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी EE/T/m। पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच। तो जनरली अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन और ये और टाइम कांस्टेंट हो, तो इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, BD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंक्रीज करते जाते हैं तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों की भी इंक्रीज होती जाती है। अगर इसको हम जनरली ऐसा लिखना चाहें तो एक कोई कांस्टेंट टाइप का आ जाएगा μ × E। तो यहाँ से हम एक फार्मूला बना देंगे, μ = क्या जाएगा, VD/E। तो हमें इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, हेयर म्यू मोबाइलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी क्या होती है, म्यू। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना होता है उसको हम उसकी मोबाइलिटी कहते हैं। मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या कहलाती है, मोबाइलिटी। मतलब प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग को उसकी गतिशीलता कहते हैं, हिंदी में आप ऐसे कह सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हो कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे भी निकालिए निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ से इसका यूनिट वगैरह भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इसी को हमने क्या पढ़ा है, VD = EE/τ/m, और उसके अपॉन में क्या जाएगा, E। तो E से E कैंसिल, तो कहने का मतलब ये हो गया आपका EE/τ/m, ये एनोदर फॉर्मूला है। और इसमें E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, m मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहीं से आप इसकी यूनिट भी बना सकते हैं, कूलाम मीटर अपॉन किलोग्राम, यहाँ से भी बनाई जा सकती है। तो मोबाइलिटी थी फ्री इलेक्ट्रॉन की, किसमें, कंडक्टर में, इस तरह से चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो अब ध्यान रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मोबाइलिटी हो क्या होती है, कंडक्टर के अंदर मोबाइलिटी क्या होती है। फिलहाल हम लोग बहुत एक अच्छे टॉपिक पे चल रहे हैं, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है प्रतिरोध, इसको अदर वर्ड में कहना चाहें कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है, या प्रतिरोधक की निर्भरता, प्रतिरोध की डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये डायमेंशन पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया है, स्टडी किया हुआ है। उसके लिए एक सपोज करते हैं, हम लोग एक कंडक्टर बनाते हैं, ऐसा आप बना सकते हैं, हम इसको क्यूबिक इस तरह से बना लेते हैं। इसका एरिया ए और इसकी जो लेंथ है वो कितनी, एल। अब हम इसको देखिए, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि हम इसको ऐसे बनाएंगे,
ऐसे मान के चलेंगे ए और ये है, ठीक है, एक ही बात है। और सपोज करिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, इसका रेजिस्टेंस तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आई, आर क्या वो वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, आई इसमें फ्लोबिक करंट है जो हम इस प्रकार से इसमें क्या करा रहे थे फ्लो करा रहे थे, ठीक है। अब हम इसके फर्स्ट केस में चलते हैं, ये स्टार्टिंग थी। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया, ये कह लीजिए इतना ही आपने कंडक्टर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम बनाना है, इतना कंडक्टर आपने लिया इसकी लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, बिल्कुल सेम टाइप का उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी लेंथ का हमने एक दूसरा कंडक्टर यहाँ से क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया। तो अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल थी तो ये भी यहाँ से यहाँ तक एल है, हमने भी कहा ना कि लेंथ दोनों की सेम लेनी, कहा है ध्यान रखिएगा, तो लेंथ सेम है तो इसकी एल तो टोटल लेंथ कितनी हुई 2L, तो हमने कंडक्टर की लेंथ को क्या किया डबल कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। अब देखो अगर इसके सिरों पर पोटेंशियल कितना था V, तो इसके सिरों पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी V होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जैसा ये कंडक्टर है वैसा ही ये भी कंडक्टर है, लेकिन ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आंसर है सीरीज है, ये सीरीज है तो क्या इनमें फ्लोइंग करंट I कैसे रहेगी सेम। तो फ्रॉम फिगर ये वाला, ठीक है, फ्रॉम फिगर फर्स्ट हमने क्या माना इसमें करंट सेम दोनों कंडक्टर में एक समान है, क्यों, क्योंकि सीरीज है, पोटेंशियल इसका वी, इसका वी, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया इसके सिरों पर, तो हो गया 2V, ये पोटेंशियल है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। देन रेजिस्टेंस देख लो कॉम्बिनेशन का, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन संयुक्त सी कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल टू वी अपॉन आई बाय ओम्स लॉ, वी तो वी कितना हमारा 2V, I कितना वही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2V अपॉन I, और ये V अपॉन I किसको शो कर रहा है इनिशियल रेजिस्टेंस। तो देखो हमने क्या किया था, लेंथ को डबल किया था, क्या किया था लेंथ को डबल किया था, और लेंथ को डबल करने पर उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो भी कितना हो गया 2 times, वो भी डबल हो गया, तो मींस इसका मतलब क्या होगा R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल L मतलब अगर हम लेंथ को किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, 2 times हो गया, तो ये एक सिचुएशन है। तो हमने यहाँ पर आपको हाई स्कूल में डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि क्यों डबल हो जाता है। दूसरी सिचुएशन देखिए, दूसरी सिचुएशन अब हम क्या करते हैं इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर देते हैं, हाफ भी कर सकते हो डबल भी कर सकते हो जैसा चाहो। तो हमने क्या किया, ये कंडक्टर था, इसकी लेंथ को हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने उसी कंडक्टर को, इसका टोटल एरिया ए था, अब इसका एरिया ए बाई टू, इसका भी एरिया ए बाई टू, तो इसका भी एरिया ए बाई टू, इसका भी टोटल हो जाएगा ए ए, अच्छा लेंथ एल है, क्लियर। तो अब सिचुएशन क्या होगी, अब सिचुएशन क्या होगी, तो देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा वी, क्योंकि जितना ये कंडक्टर था उतना ये कंडक्टर, तो वोल्टेज तो दोनों पर क्या होगा वी, लेकिन करंट अगर यहाँ से करंट आई जा रही थी कितनी आई, तो इसमें बढ़ जाएगी और इसमें सेम, जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें, मतलब हाफ हाफ, तो आई का हाफ कितना होगा आई बाई टू, आई बाई टू, क्योंकि हाफ करंट इसमें जाएगी और हाफ करंट इसमें जाएगी, दोनों करंटों को जोड़ देंगे हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो करंट कितनी हो गई, करंट ईच कंडक्टर में, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पोटेंशियल डिफरेंस वो भी है हाफ इसमें हाफ इसमें, तभी ये आई बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आई आ रही थी। तो आर इक्वल टू कॉम्बिनेशन का
वी अपॉन आई, तो वी कितना, वी है, आई कितना है, आई वाई टू, इसको सॉल्व करोगे टू ये हो जाएगा वी अपॉन आई, ये टू पर चला जाएगा। और ये वी अपॉन आई क्या है, वी अपॉन आई इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आपका टू आर। तो सोचो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आर कितना हो गया, टू आर, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है 2R, मतलब पहले रेजिस्टेंस का कितना हो गया डबल, डबल कब हो गया जब एरिया को हमने हाफ कर दिया, तो एरिया को आपने कितना किया हाफ, तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, मतलब आपने एरिया कम किया रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा इसमें रिलेशन आ गया, तो ये आ गया मींस आर प्रोपोर्शनल 1/a, क्योंकि एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट को उठा लो और इक्वेशन सेकंड को उठा लीजिए, है ना, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर क्वालिटी थोड़ा कमजोर हो रही हो तो हम बोल भी रहे हैं उससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल, अब प्रोपोर्शनल बनवाइए तो जाएगा एल अपॉन ए, क्योंकि ये अप है वो डाउन है, और इसको अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल हटा दें तो एक निश्चित कांस्टेंट आ जाता है बाय एक्सपेरिमेंटल, ये हो जाता है रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस का आप यूनिट पढ़ चुके हैं क्या, ओ, तो एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमने क्या सीख लिया, आर किस किस पर डिपेंडेंस है, रेजिस्टेंस कंडक्टर की डायमेंशन पर डिपेंड है, मतलब उसकी लंबाई क्या है, उसका एरिया क्या है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो अब देखो जैसे एक दो तार है, एक मोटा तार एक पतला तार, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर तार मोटा है तो उसका एरिया ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, और पतला तार है तो एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, तो पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, ऐसे समझ लेंगे। यहाँ रो क्या है, रो एक वैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसका एक नया नाम दे देते हैं, क्या कांस्टेंट तो है क्या, इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का मतलब है कि कांस्टेंट तो है रो, रो बोलते हैं इसको क्या, रो कांस्टेंट तो है लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं इसको। देखिए आर डायमेंशन पर डिपेंड है कि एरिया क्या है लेंथ क्या है, लेकिन रो आपका डायमेंशन पर डिपेंड नहीं होता, किस पर डिपेंड होता, मटेरियल पर, पूरे मटेरियल। मटेरियल का मतलब जैसे मान लेते हैं ये आयरन है और ये कॉपर है, तो आयरन का अलग रेजिस्टिविटी होगी और कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी, क्यों, मटेरियल आयरन अलग होता है कॉपर अलग, अगर मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, मटेरियल चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि क्या है कांस्टेंट है। हाँ अगर हमें कह दें कि इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये भी लोहा ये भी लोहा, ये भी आयरन ये भी आयरन, इसकी लंबाई 2 इसकी 4, तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी, सेम होगी, क्योंकि ये भी आयरन है और ये भी आयरन है, अगर लेकिन इसकी लेंथ 2 है इसकी 4 है तो इसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, समझना है, मटेरियल की होती रेजिस्टिविटी डायमेंशन के लिए। तो ये हो जाएगा, अब इसी में हम शब्द उठा लेते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ये हो जाएगा इतना, देखें इसके आगे, तो रेजिस्टेंस समझ लिया, रेजिस्टेंस से आगे चलती है रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं हिंदी में रेजिस्टिविटी, यहां से इसी का एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी कहो चाहे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/a, तो आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, देन आर
इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो एक कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहते हैं, तो देयरफॉर रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, एक नया फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया ये? एक नया फॉर्मूला बन गया है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ से आप एक, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, इफ एल इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन, वन को बोलते हैं यूनिट, यूनिट को एकांक, देन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। हेंस यहाँ से डेफिनेशन बनती है कि रो इक्वल टू आर, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगी कब? जब लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिट। यहीं से बनाइए कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिट। हो गई कि ये इसके तब बराबर होगा जब ये दोनों ऐसे होंगे, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर होता है कि लंबाई और क्षेत्रफल उसका एकांक हो। यहाँ से आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब देखो इसमें इसका एक और फॉर्मूला अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। R इक्वल टू R इक्वल टू वी अपॉन आई रख देते हैं, R इक्वल टू वी अपॉन आई इंटू ए इंटू एल। तो देखो बेटा ये क्या बन गया, V अपॉन डी या V अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, और ये है A अपॉन आई, और हम लोग पढ़ चुके हैं आई इक्वल जे इक्वल आई अपॉन ए इक्वल टू जे पढ़े हैं। जे क्या है यहाँ पर? करंट डेंसिटी, तो आई अपॉन ए होना चाहिए, लेकिन ये ए अपॉन आई है, उल्टा लिखा है, तो जे को हम क्या कह देंगे? वन बाई जे, मतलब जे कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो आर इक्वल टू सॉरी आर नहीं रो, सॉरी रो इक्वल टू ई अपॉन जे। एक नया फॉर्मूला ए भी आ गया। यहाँ से भी कह सकते हो आप कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू करंट डेंसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी फटाफट आप लोग यूनिट देख लें, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्यों पड़ रहा? रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट को फ्लो होने में जो अपोज होता है, और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें मटेरियल देखा जाता है। तो रेजिस्टेंस ये देखता है कि इसकी लेंथ क्या, एरिया क्या है, रेजिस्टिविटी ये देखती है कि किस मटेरियल का बना है। अगर कंडक्टर है, कंडक्टर है तो उसका कंडक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी। अगर इंसुलेटर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सभी कंडक्टर्स है या क्या है, उसके उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टिविटी देखनी पड़ती है जब आप मटेरियल बना रहे होते हैं। तो यूनिट देखिए यहीं से, यहाँ से देखिए, तो रो इक्वल टू आर, आर का क्या लिखते हैं हम ओम, ए, ए का लिखते हैं मीटर पर, सॉरी एरिया का लिखते हैं मीटर स्क्वायर, और एल का लिखते हैं मीटर। क्या हो जाएगा? तो रो इक्वल टू ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। तो क्या जाएगा? रेजिस्टिविटी ओम मीटर। इस प्रकार से हम इसको डायमेंशन डायमेंशन आर ए की ये सब हम बता ही चुके हैं, तो आप लोग इसको क्लियर कर लोगे। अब इसमें एक रिलेशन देख लीजिए आप लोग, इसका भी रेजिस्टिविटी का और क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको अभी बताएंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी से ही हम जो वायर बनाते हैं, कंडक्टिंग वायर या जो भी होते हैं, उसके मटेरियल की हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो कहने का मतलब है रिलेशन बिटवीन E and J and sigma, समझ लीजिए, रिलेशन बिटवीन E, J एंड सिग्मा। E इलेक्ट्रिक फील्ड, J करंट डेंसिटी, और सिग्मा क्या है यहाँ पर? सिग्मा कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी थी तो कंडक्टिविटी, तो पहले हम कंडक्टिविटी को ही बताएंगे, तो हम कंडक्टिविटी को ही बताएंगे। आपने पढ़ा होगा कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। उसी प्रकार से द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, सॉरी द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी।
मास क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम डिनोटेड बाई सिग्मा और रेजिस्टिविटी को डिनोटेड बाई रो। तो अब इसका ओम मीटर होता है तो ओम मीटर इनवर्स हो जाएगी यूनिट। तो क्या होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। समझ रहे हो ना, जैसे कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है इसलिए उनका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम कंडक्टर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम डेरिवेशन पर चलते हैं। तो हमने पढ़ा है आपका ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ बी इक्वल टू क्या, पाई आर। तो आपने पढ़ लिया यहाँ पर वी इक्वल टू पाई आर। तो इसमें वैल्यू पुट करा दो आई आर की, अभी पढ़ा था आपने रो एल अपॉन ए। अब इसमें देखो आई अपॉन ए क्या बन गया, आप एल को इसके नीचे ले आओ तो वी अपॉन एल। अरे करना है ना, कुछ करना है, ई लाना है। ई क्या होता है, वी अपॉन डी होता है, वी अपॉन एल होता है। तो हमें वी दिख गया, एल दिख गया, तो वी अपॉन एल बना लिया। अरे अंदाज से रटना थोड़ा रहा है, आपको ई लाना है तो वी अपॉन एल होता है, अब जे लाना है तो आई अपॉन ए होता है। तो आई दिख रहा है, ए दिख रहा है, आई अपॉन ए इंटू कौन बचा, रो। बस तो वी अपॉन एल किसका फॉर्मूला है, वी अपॉन एल दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आई अपॉन ए कौन कहलाता है, जे, आई अपॉन ए क्या, जे और इंटू रो। एक आंसर ये भी है। अब रो को आप यहाँ ले आइए तो ई अपॉन रो इक्वल टू कौन, जे, और वन अपॉन रो, वन अपॉन रो, एक हिसाब से वन अपॉन रो लिखा होगा, वन अपॉन रो क्या कहलाता है, सिग्मा। तो हो जाएगा सिग्मा ई इक्वल टू जे। तो देखो वन वाई रो की जगह सिग्मा और इंटू ई, बस इसका वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो जे इक्वल टू सिग्मा। इस प्रकार से रिलेशन कई बार पूछा गया, इसके साथ एक हेडिंग लगती है, कोई डेफिनेशन लगती है, डेफिनेशन के बाद डेरिवेशन पूछा, वेरी इजी, चाहे जहाँ से लाओ इसको, जैसे भी कई तरीके हो सकते हैं। तो आज की अगर क्वालिटी बेस्ट ना हो तो आप लोग सुनकर काम चला सकते हैं और कुछ चीज़ें समझ कर। आप लोग एन सी आर टी किताब का जरूर इस्तेमाल करें, एन सी आर टी किताब का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम एन सी आर टी के चैप्टर 3 का पेज नंबर आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हमने आपको जो आज समझाया है इसमें न्यूमेरिकल्स, आप देखिए एग्जाम्पल 3.1 इसको देख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल 3.2 पेज नंबर है आपका 100, ठीक है, सुनाई तो दे ही रहा होगा। और इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल ये दिया है कि ये मटेरियल का नाम दिए है, इसमें कंडक्टर है, कंडक्टर है, इसमें सेमी कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर हैं, एलॉय हैं, इनके बारे में पूरा टेबल बना रखे, टेबल 3.1 है, इसको आप घर पे देख सकते हो। इतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ दिया गया, इसको हम डायरेक्ट सुना दे रहे हैं तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा। लिमिटेशन का मतलब ओम्स लॉ क्या होता है, वी प्रोपोर्शनल आई, करंट बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि हम करंट बढ़ा दें तो पोटेंशियल उसी रेशियो में नहीं बढ़ता है, मतलब वी प्रोपोर्शनल आई नहीं होता है। तो किन में नहीं होता है, ऐसे डायोड होते हैं, क्या होते हैं, डायोड हैं ट्रायोड सेमीकंडक्टर्स, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो नॉन ओमिक कहलाते हैं। नॉन ओमिक कौन, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जैसे डायोड ट्रायोड सेमीकंडक्टर्स। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक कहलाते हैं, ओमिक, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओमिक। ओमिक कौन है, सारे के सारे मेटल्स ओमिक होते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड ये आपके नॉन ओमिक होते हैं। तो ये लिमिटेशन है, जिसमें ओम्स लॉ फॉलो हो रहा ओमिक, जिसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा नॉन ओमिक, अनोमी ओमी होते हैं। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक इतना खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। आप लोग कंटिन्यूली लाइक जरूर करें, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।